अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नूर सलवा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहां रहें खुश रहें, अल्लाह की अमान में रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और मज़ेदार मग केक, जो कि सिर्फ 3 मिनट में तैयार हो जाता है। जब भी आपका केक खाने का दिल चाहे, आप इस तरह से केक बनाएं और इन्जॉय करें। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। मग केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 3 टेबल स्पून मैदा, यानी कि केक फ्लार, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1/4 teaspoon हम ऐड करेंगे इसमें बेकिंग पाउडर, 2 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे कैस्टर शुगर 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास कैस्टर शुगर ना हो तो आप नॉर्मल शुगर को ग्राइंड कर लीजिएगा। अच्छा जी, 1 अंडा हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप अंडा पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून हम इसमें फ्रेश मिल्क यूज़ करेंगे। अगर आप अंडा स्किप करेंगे तो फिर 3 टेबल स्पून आप इसमें जो है मिल्क का ऐड कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे वनीला एसेंस का। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत आसानी से तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का होता है ये। अगर आपके पास स्मॉल विस्क हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फोक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखें, बहुत अच्छे से ये हो गया है। ये देखें। अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ ये कुकिंग चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट ऐड कर दिया है इसमें। आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है चॉकलेट फ्लेवर तो आप ज़्यादा भी। माइक्रोवेव में 1 से 1.5 मिनट इसको चलाएंगे और ये हमारा रेडी हो जाएगा केक। अब हम 1.5 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव में रख देंगे। जी, तो हम चेक करते हैं हमारा केक बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं 1.5 मिनट में ये हमारा केक बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इस पर थोड़ी सी आइसिंग शुगर छिड़क देंगे। इसके अलावा हम चॉकलेट टॉपिंग कर देंगे। जी, तो देखें ये हमारा केक कितने मज़े से तैयार हुआ है। सिर्फ मुश्किल से 3 मिनट के अंदर ये तैयार हुआ है। 1.5 मिनट इसकी तैयारी में लगे हैं और 1.5 मिनट इसको पकने में लगे हैं। तो अब हम इसको चेक करते हैं ये कैसा बना है, कितने मज़े का ये केक तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये केक कैसा बना। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।